बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ओके, गुड। आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं, विच इज अबाउट ग्रेविटेशन। किस चीज के बारे में है? ग्रेविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द आइडिया दैट व्हाट इज ग्रेविटी। What is gravity? To start with, let's suppose this one is the earth on which we are living. There is an envelope of the air all around the earth, where the force of attraction of the earth can be felt. Iski gird पूरा एक हवा के कवर है जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर रहते हुए हम जमीन की तरफ से एक फोर्स फील कर रहे होते हैं अट्रैक्शन की फॉर्म में। ओके, ये जो फील्ड है ना, ये जो एरिया है जो इसके गिर्द हवा का कवर मौजूद है जमीन का, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए हम जमीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हां, अगर कोई चीज ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है तो वो जमीन के इन्फ्लुएंशियल एरिया से बाहर है, तो जमीन उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकती, वो कहलाएगा स्पेस। ओके, अभी जो ग्रेविटी है जिसे हम आम जुबान में जमीन की तरफ से लगने वाली फोर्स कहते हैं, इसका जो आइडिया है सबसे पहले किसने दिया था? 1665 में सर आइजक न्यूटन ने। ये अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो एक दफा किसी एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा था, अचानक सेब गिरा, उसके ऊपर उसने गौर करना शुरू कर दिया कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, या हवा में रुका क्यों नहीं। इस चीज पे गौर करते करते उसने ग्रेविटी का आइडिया दे दिया और जमीन की तरफ से अट्रैक्शनल फोर्स को जो है उसने डिफाइन कर दिया। ओके, सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? इट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन एवरी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी चीज जो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लेस की गई है, जमीन की तरफ से उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसे उसकी क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। सर, फिर मून पे ग्रेविटी नहीं है? जी, मून पे भी ग्रेविटी है, उसकी अपना एक फील्ड मौजूद है 1.63, यानी आपने जमीन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पढ़ी थी ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे राउंड ऑफ करके हम 10 लिखते हैं। इसी तरह जो जमीन की बजाय मून है उसकी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बॉडी के ऊपर, मतलब अट्रैक्ट क्यों नहीं होती बॉडी पे, चांद पे जाकर इतना ज्यादा उस पर फोर्स क्यों नहीं होती? क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डाउन होगी ना, उतना उस चीज का वेट क्या होगा? कम होगा। असल में भला क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो, उसकी जो डेप्थ है ना वो बहुत दूर तक है, ठीक है, यानी हमारे ऊपर जो गैसेस का जो कवर है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लेकिन चांद पे इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है। फिर से जो वहां जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जब वो चांद पे जाते हैं तो अपने साथ इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाते हैं जो सक करके चीजों को जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। ओके, अच्छा, अब हम करते हैं जो न्यूटन ने पहला अपना जो मोशन के तीन बड़े मशहूर कवानीन है, इसके बाद उसने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था वो था क्या? दुनिया में कोई भी चीज है वो हर दूसरी चीज को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये दो बॉडीज हैं जिनके मैस क्या हैं, एक का मैस मैं M1 कह रहा हूं और दूसरे का मैस क्या कह रहा हूं? M2। ठीक है, ये M1 मैस और ये कौन सा है? M2 मैस। M1 M2 को खींच रहा है और M2 M1। जैसे हमने न्यूटन के लॉ थर्ड लॉ को हमने देखा कि हर एक्शन का क्या होता है? एक रिएक्शन होता है। अगर मैस M1 का M2 को खींचना एक्शन है
तो फिर M2 का M1 को खींचना रिएक्शन, दोनों होते ही इक्वल है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे होते हैं। ओके तो न्यूटन ने इसको इसी चीज मैस को लेके उसने अपने स्टेटमेंट का पहला पॉइंट बनाया था, क्या बोला, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। ये पहला पॉइंट इसका कि अगर आप मैस का प्रोडक्ट लें तो जो इसके दरमियान और इसके दरमियान जो फोर्स लग रही है मीन बढ़ाते जाए मीन बड़े करते जाए इन्हें तो वो फोर्स क्या होती जाएगी, बड़ी बड़ी होती जाएगी। जी ये देखो ना जरा चेक करें, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, यानी जितना ये मैस ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट भी क्या होगा उनका, ज्यादा होगा, उतनी फोर्स भी ज्यादा होगी। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एंड इट विल कॉज एन इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी द प्रोपोर्शन विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर एक बड़े और दूसरे में भी वो इजाफा कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके सर, अगर ये ग्रेविटी है इसको अगर भारी मैस को ज्यादा नीचे खींचने में ज्यादा मतलब जल्दी खींचेगी कि हल्की लाइट चीज को जल्दी नीचे, वो डिपेंड करता है उसके मैस पे। ठीक है ना, फर्ज करें आपके पास ये मैस है 1 kg का, ठीक है, इसका वेट बनेगा 1 × 10, W इक्वल टू mg होता है ना, जी की जगह 10 लग गया, तो जमीन इसको 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रही है। ठीक है, अब अगर ये मैस है 2 kg का, ठीक है, तो W इक्वल टू mg इक्वल्स टू 2 × 10, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी जमीन की अट्रैक्शन वेरिएबल है, उसका इनिसार किस बात पे, उस मैस के, जिस चीज को वो खींच रही है ना उसके मैस पे डिपेंड करता। ओके अच्छा, इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कौन सा आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्केयर, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्केयर, यानी मतलब क्या हुआ, इसका जितना हम फासला इनके दरमियान बढ़ाते जाएंगे उतनी फोर्स में कमी आती जाएगी। ओके जैसे देखना, मेरे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, देखें ये मेरे पास मैग्नेट है, अगर मैं इसको यहां तक लाता हूं, देखें इतने फासले तक वो खिंच गया इसकी तरफ, लेकिन अगर मैं फासला यहां तक बढ़ाता जाऊं तो नहीं खींच पाएगा, जितना फासला बढ़ता जाएगा उतना फोर्स क्या होती रहेगी, कम, और जितना फासला कम होता जाएगा उतनी फोर्स क्या होती रहेगी, ये देख लें, इज इट ओके, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस पे डिपेंड करती है, उसके डिस्टेंस पे, ये देखें यहां तक वो इसको खींच रहा है, ये देखें ये नजर आ रही, अगर मैं इसको इतना दूर ले जाऊं ऐसे तो फोर्स फील नहीं करेगा, जैसे जैसे मैं इसको पास लाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर को पता चल जाएगा कि इस पॉइंट तक आके वो देखो यहां तक वो इसको आसानी से क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि फासला कम है। ओके बेटा, सर यहाँ पे वो उसको खींच रहा है, उसने ऊपर खींच रहा है, लेकिन अगर जमीन की ग्रेविटेशन उसे नीचे खींच रही है फिर वो नीचे जाना चाहिए उसे, वो ऊपर जी वो मैं बताता हूँ इसका। अब जमीन इसको समझ लें, आप इस मैग्नेट को क्या समझ लें, ये जमीन है, ठीक है, अब अगर हम इसको यहां से करते हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, अब जमीन में ऊपर ले जाते हैं यहां पे, तो ये इसको नीचे से क्या कर लेगा, नीचे से खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा। एक बात और ध्यान में रखें कि ये मैंने एरोज लगाए हैं अंदर की तरफ, ये देखें नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, ये इधर से यूं, यानी एक सर्कुलर डायरेक्शन में जो फील्ड हमारे पास मौजूद है तो ये हर तरफ से खींच रहा है, इसमें ऊपर नीचे का कंसेप्ट नहीं है। हमें कैसे लगता है कि हम ऊपर नीचे खींचे जा रहे हैं, क्योंकि हम इस टाइम बैठे हैं जमीन के ऊपर, ठीक है, तो जो हमारा फुट होगा अगर वो जमीन के साथ लगाए तो हम ऐसे नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं, जो जमीन का बिल्कुल अपोजिट वाला खित्ता होगा उनके फीट भी तो यहां पे लगे होंगे, यानी वो लगने किसके साथ है, जमीन के साथ, वो इस तरफ को खींचे जा रहे हैं।
इसलिए ऊपर नीचे का कंसेप्ट जमीन की पोजीशन पे हमारे बैठे होने वाले से। एटमॉस्फेरिक ग्रेविटेशन से चारों तरफ होती है ना, तो चारों तरफ से इंसान को खींच रही है। अगर ऊपर वाली ऊपर खींच ले, नीचे वाली नीचे खींच ले। नहीं ऐसा नहीं है कि अगर हम यहां बैठे हैं ना तो ये वाला जो है वो हमारी डायरेक्शन की यानी अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। ये नहीं कि ये वाला भी हमें खींच रहा, हम इससे दूर है। अच्छा ओके हो गया। अच्छा अब ये पॉइंट हो गया नंबर वन, ये हो गया नंबर टू। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवर डी स्क्वायर। इसकी जगह पे जब हम इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे तो यहां लगता है जी। ओके ये जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है। इसकी जो वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके ये नहीं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम आगे कुछ चीजों पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट है यहां पे, मैंने तो बोला कि भाई दुनिया में हर चीज हर दूसरी चीज को खींच रही, तो ये इसके साथ चिपका क्यों नहीं है? ये बिल्कुल इसके साथ क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए। उसकी रीजन है कि 10^-11 है, यानी इस बॉडी और इस बॉडी के दरमियान ये फोर्स मौजूद है। कायनात में जितने भी बॉडीज हैं उनमें यही फोर्स मौजूद है जिससे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसके चिपकने का सिस्टम इस तरह है कि पॉइंट यहां से 11 टाइम कहां जाना है, पीछे को, तो 0.000 इतनी सारी जीरोस के बाद कोई पॉजिटिव नंबर आना है, इसलिए उसकी वैल्यू इंतहाई कम है। ओके अच्छा एक और चीज हम डिस्कस करते हैं इसमें। सर अगर बॉडी में ग्रेविटी की रेशियो बढ़ा दी जाए तो वो मैस बढ़ाने से ग्रेविटी बढ़ जाती है, अट्रैक्शन आपको फील होना शुरू हो जाएगी, जैसे जमीन और चांद के दरमियान है, जमीन और सूरज के दरमियान है। ओके अच्छा न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन का, उसका न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या ताल्लुक है? ठीक है, एज अ थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ा सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि अगर ये वाला बॉडी M1 मान लिया जाए और इसे M2 मान लिया जाए, तो M1 का M2 को खींचना एक्शन हो गया, M2 का M1 को खींचना क्या हो गया? ओके जितना एक्शन स्ट्रांग होगा उतना रिएक्शन भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसलिए न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो तकरीबन सिमिलर फिनोमेना से। ओके बेटा क्लियर। तो ये जरा देखें आज हमने किया कितना है, ये जो पोर्शन है ना हमारा, इसमें से आपने इसकी डेफिनेशन लेनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, और इसके बाद आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट और यहां से एक्सप्लेनेशन इधर से कंसीडर से फिगर्स बना के। ओके ये आपने यहां तक करने, और ये जो मैंने आपको बताया था कि भी ये हमें फील क्यों नहीं होती ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो बहुत थोड़ा है, इस वजह से हम इसको फील नहीं करते। ये वाला जो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो एंड में मैंने आपको बताया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या ताल्लुक है। ओके तो आज का आपका लेक्चर यहां तक हुआ है। ओके बेटा ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़।